दिस इज दि व्लीज प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कानंस यूट्यूब चैनल दैट टू नाव प्यार का पंचनामा ब्लॉक बास्टर अवार्ड भी बहुत सारे मिले जी कितने मिले बेस्ट डेब्यू एंड बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल क्या टू अवार्ड या दो अवार्ड मिले थे जी. कहा रखा है घर पे देख के बोलते हो वाह या फिर अवार्ड मायने नहीं रखते अवार्ड्स मिलता है तो अच्छा लगता है नहीं मिलता तो मायने नहीं रखता बट बट आई नॉट लाइक दैट ऑनेस्टली मतलब मिलना ही चाहिए मिलना ही चाहिए बट हाँ पंचनामा के लिए जब मिला था तो बहुत अच्छा लगा था बिकॉज द वेरी फर्स्ट फिल्म द कैरेक्टर वॉज आई मीन अगेंस्ट द ग्रेन हाउ आई एम एज अ पर्सन बिल्कुल अलग था टू प्रिपेयर फॉर सच कैरेक्टर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एक ऐसी फिल्म में आके इतना अप्रिसिएशन पहली फिल्म से मिलना मिलना यस डेफिनेटली वेरी स्पेशल तो अभी जब प्यार का पंचनामा का सीरीज बनने लग गया हुँ. जब आप उसके हिस्सेदार नहीं थे, बहुत उठा रहे थे कि, क्यों नहीं था बिकॉज योर कैरेक्टर वाज एपिक राइट राइट कहीं लेफ्ट आउट फील कर रहे थे नहीं यार मैंने ही मना किया था तुमने मना किया था? जी तो so me. I mean, का पंचनामा विदाउट लिक्विड मुझे बस यही था यार मुझे लग रहा था कि अगेन कुछ नया करने को नहीं है सेम रिपीट कैरेक्टर करना पड़ेगा एंड करियर की शुरुआत तो छाप लग जाती है तो मैं बहुत था इस बात को दैट लिक्विड को मैं जो दे सकता था ना वो मैं सब कुछ दे चुका था उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता yeah. hmm. वहां पे आप फंस जाते हो

कि यू नो लिक्विड थोड़ा ज़्यादा हावी हो सकता था मेरे ऊपर अगर आप उसी तरीके से करने में बह जाते हैं तो आई अंडरस्टूड ऑब्वियसली इट नॉट अ नाइस फीलिंग क्योंकि हम सब सबने मिलकर बनाई थी वो फिल्म बहुत एक लंबा प्रोसेस लगा था उसके लिए बट आई लाइक यार एज एन आर्टिस्ट पता है मैं कैसे समझाऊं इस बात को हो जाता है वो ना निकल जाता है आपके सिस्टम से सब कुछ हर बार नहीं बचता कुछ देने के लिए तो मुझे लगा निकल चुका है hmm. मैं बता रहा हूं भाई तुम बहुत हो <laughs> बहुत हो मेरी जान। कम लोगों को मैंने देखा है। है। फिल्म आधी भी चल जाती है। लोग उसका कार्तिक आर्यन डूइंग सो वेल आर डूइंग सो वेल नुशरथ डूइंग सो वेल लव रंजन डूइंग सो वेल सनी डूइंग सो वेल हमारी सोनाली भी अबरा करोजने दोस्त हो क्या तुम और कार्तिक अभी भी फोन उठा के बात करते हो गप्पे लड़ाते हो यार वो तो उतना नहीं हो पाता लेकिन हाँ कभी टकरा जाते हैं तो डेफिनेटली होता है लेकिन क्योंकि लाइफ इतनी अलग हो गई थी यू नो आई आई वॉज आई केम टू मुंबई टू फिल्म वेरी डिफरेंट एम इन माई लाइफ लाइक मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कमर्शियल सिनेमा में आऊंगा सिनेमा और मुझे उसी तरीके की फिल्में करनी थी

कि मैं कुछ और ही मैं कुछ और सोच रहा था अच्छा कैसे करना चाहिए कुछ और यार इतना यूरोपियन सिनेमा वगैरह वो सब देख लिया था कि लगता था कि कुछ ये तो ठीक है वो करना है कुछ और चीज की तरफ भाग रहा था यू नो तो इफ आई टोल्ड यू दैट देख वॉज अ चांस कि यार तुम फुर्सत में बैठे हो वुड यू बी द गाय विल मेक द मूव एंड से कार्तिक है यार सनी सानी है यार है यार सोनाली है है यार है यार लव नहीं यू नेवर नेवर डू डू दैट दैट आई आई एम द वन जो कहा पार्टी में लास्ट में पहुंचता है लेकिन लास्ट तक रहता है अच्छा तो मेरा इंजन थोड़ी देर बाद गर्म होता है लेकिन जब गर्म हो जाता है तो फिर पूरा चलता है तो फिर वेटर वेटर सबके साथ सेल्फी हो ही दे देती मतलब जो भी दे सकता हूँ अपने पास से सब दे देता हूँ कच्चे पहन के जाते हो नहीं वो लोग इतने अच्छे हैं कि इतना सब कुछ नहीं मांग अच्छा बट

आपको मन्नत की जरूरत नहीं है हा, हा, हा। हा, आप हा, आप जन्नत में हो। आप जन्नत में हो। <laughs> और वो मैंने में हो। हो। hmm. <laughs> और अब जो हालात में हम लोग ले रहे हैं मुझे लग रहे है, वापस मुझे जाना चाहिए <laughs> तो वो गांव वाले के नंबर्स में ले लूंगा बता देना आपको अपना लेंगे यार तुमने देखा है तुम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हो तालमेल होता है एक्टर्स का राइट इफ यू आर गुड एंड दी अदर पर्सन नॉट गुड सीन फ्लॉप हो जाता है कभी तुम रहे हो और सामने वाला गुड नहीं रहा उसने कहीं तुम्हें सुनाई दिया कि का पार्ट मारो, ऐसा आया तुम्हें कभी डायरेक्टर नहीं काट सकता दिस इज लाइक फुल पावर मेरी जान सॉरी सॉरी नो बट डो बट ट्रू भाई, मैं क्या <laughs> बोल रहा हूं जब आदमी अपने खुद के काम की इज्जत करता है मूवमेंट ऑफ द फार्मर्स पर तुमने भी एक बहुत अच्छी चीज की थी तुमने अपना सर ड्रॉप कर दिया था आई नो द रीजन इज वोट तुम बताओगे हमारे व्यूअर्स को और साथ में क्यों किया वॉज इट बहुत प्रोसेस के बाद हाँ तो शुरू हो गया था कहीं से कॉलेज <coughs> के ज़माने की बात है वी वर डूइंग अ प्ले हम कहीं बाहर गए थे किसी इंटर कॉलेज इसमें आउट ऑफ डेली एंड वहाँ पे जो हम प्ले कर रहे थे तो अब प्ले uh, के जब आप जाते हैं तो बताते हैं हाँ जी आप किस कॉलेज से आए हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले कास्ट मेंबर्स कौन कौन है बेसिक डिटेल कास्ट मेम्बर्स के नाम लिखने शुरू हुए तो शुरू हुआ भाई शर्मा चतुर्वेदी बैनर्जी पांडे ऐसे हुआ दैट गर्ल्स हेट के ओ माई गॉड ऑल ब्रह्मस और यार मैंने सोचा मैंने कहा ये मेरे एज की लड़की हम एक साल हो गया यार हमें नाटक करते करते हमने कभी नहीं सोचा इसने कैसे पकड़ा आई वाज लाइक इसका मतलब तो बॉस ये चीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और ये इस कॉलेज में आज की डेट में भी है मतलब ये तो वहां से ना मेरी अटक गई थी कुछ मैंने कहा ये इसका मतलब ये सही नहीं है कोई अगर नोटिस कर रहा है आपको इस वजह से तवज्जो दे रहा है कि आपका सेकेंड नेम शर्मा या बनर्जी या ब्राह्मण हैं आप या वो हैं तो सही नहीं है तो वहां से चक्का शुरू हो गया तो और फिर जहाँ पे मुझे लगा ना कि यार अब ना हटा देना चाहिए आई थिंक दिवेंदू काफ़ी है अपने सर्टिफिकेट्स और अपने बाकी जगहों पे आप पूरा अपना नाम रखिए जबकि ना मुझे सेकंड नेम्स बहुत ही अच्छे लगते हैं तो पता चलता है कि इंसान का ओरिजिन कहाँ से है कि तुम कहाँ से आ रहे हो वो एक छोटा सा विकीपीडिया होता है आपका सेकेंड नेम बट वो उसका स्पेशली जिस तरीके का माहौल होने लगा सेकंड नेम्स और इतना धर्म वर्म आज जैसा भी है हम इतना तवज्जो देने लगे हैं आई डोंट नो व्हाई पहले भी सही थे यार सब कुछ बढ़िया था तो मुझे लगा लेट गो ऑफ इट तुम बहुत डेप्थ वाले इंसान हो भाई <laughs> बहुत डेप्थ <depth laughs> वाले हो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दीज एक्टर्स जिनके साथ तुमने काम किया है सीखा है तो बोलो नहीं सीखा वो भी बोल सकते हो अक्षय कुमार आफ्टर सो मेनी ईयर्स ही इज नॉट बोल्ड

ज वेरी वेल प्रिपेयर विद लाइन एन एवरी थिंग कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शायद को देखा हो कि वो कह रहा है कि यार बता देना या उसको याद नहीं कम्स प्रिपेयर वो तो यार एकदम नया था तो कुछ ऐसा नहीं था सीखने वाला उस टाइम hmm. शायद मैं सिखा रहा था कहीं ना कहीं उसको hmm. वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला था hmm. तो जस्ट बोलने के लिए नहीं बोलूंगा बट यार ही वॉज हैपी शादी का घर था हर दिन एक नई रसम हो रही है तो शूटिंग पे आए तो अच्छा लगता था वो हैपीनेस देख के पंकज त्रिपाठी साहब पंकज भी मस्त है पंकज और मेरी खूब खूब बातें करते हैं हम गप्पे माने खूब गप्पे और फिल्मों और एक्टिंग के बारे में सबसे कम तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे गेम्स के बारे में बात करेंगे वहां यह हो रहा है वो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताएगा कभी मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा एक हेडलाइन जो तुमने अपने बारे में पढ़ी जो बिल्कुल गलत थी अफसोस हुआ या घंटा फर्क पड़ा वो क्या था अरे यार बहुत शुरुआत में अगर एकदम बोलें तो बिग बिग बॉस बॉस पे नाम आ गया था कि बिग में जा रहा है आफ्टर पंच नामा। so like पहले ही कुछ कर लेता ऐसा वैसा तो ऐसा आ, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा मुझे पड़ता भी नहीं है कभी ये फीलिंग आई यार सब छोड़ के गाँव मीन यू गोदेर मतलब मुश्किल है वो आपको ना वो हो आपको लगता है इतनी फाइट है ही नहीं लाइफ में ये देख ये रहा सामने ये भी एक जिंदगी है वैनिटी वैन का दरवाजा खोलते ही सो इफ यू वॉन्ट टू लैंड और मुझे लगता है मैं कभी ना कभी चला जाऊंगा मुझे भी ये लगता है तो अपने बारे में हाँ

क्यों पहुंचा है पता नहीं मे बी फॉर अ सीक्वल यस आई डोंट डिनाई बट नॉट नॉट इन दिस वन नो या तुमने फिर रिफ्यूज कर दिया क्योंकि नहीं। रोल इतना था। <laughs> नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ यार हो सकता है। पता नहीं मुझे एक्चुअली नहीं पता सिद्धार्थ कभी मीटिंग भी नहीं हुआ कभी बात भी नहीं हुआ और तुम्हारा नाम आ गया ब्रह्मास्त्र आई रियली होप क्रेडिट्स में ना आ जाए ओपनिंग क्रेडिट्स में <laughs> तो फिर लोग कहेंगे कि भाई तेरा तो रोल कट गया बहुत बुरा हुआ इसी बात पे थैंक यू दिव्यांशु मेरे भाई थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चलो चलते हैं गांव हाँ वहां पे खुली हवा में बातें करते हैं थैंक यू लवली लवली बट ट्राई दैट सुकून मिलता है हाँ कब है ये वाला पक्का सो अभी के लिए पीस गाइस अभी के लिए पीस बाय